सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूंगा स्प्रिंग थंडर से लेकर अब तक एक राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सम्मानित होना कैसा रहा ये सफर, और स्प्रिंग थंडर के बारे में खास जानना चाहूंगा कि एक अलग तरह की फिल्म महसूस हुई। ये सफर मतलब वो इस सफर में बाल दाढ़ी सफ़ेद हो गए, तो सबसे ख़ास बात तो यही मुझे एक बड़ा चीज़ दिख रहा है, बहुत लंबी जर्नी रही है और स्प्रिंग थंडर और उससे पहले द लॉस्ट बहरूपिया, उससे पहले ओपी स्टॉप इस वेली और सॉक्स, और ये सब करने के क्रम में मतलब एक एक फिल्म मेरी, हर फिल्म ने बहुत समय लिया है। हर फिल्म के निर्माण में लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे जो पहले जो संघर्ष था वो संघर्ष आज भी जारी है। तो बहुत संघर्ष रहा है बनाने का भी और लोगों तक पहुंचाने का भी। आपको शायद अगर मालूम ना हो तो मैं बताऊं कि जब ये फिल्म बन गई, स्प्रिंग थंडर बनाने का एक अपना एक स्ट्रगल तो रहा ही, लेकिन फिल्म जब बन गई और लोगों तक फिल्म पहुंचाना था और उसके लिए एक जो बड़ा मीडियम था कि भाई फिल्म फेस्टिवल वगैरह में फिल्म जाएगी तो वहाँ से एक चर्चा मिलेगी, तो फिर फिल्म का डिमांड होगा और फिल्म का डिमांड होगा तो लोगों के बीच फिल्म जाएगी। तो डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है उस लिहाज से मेरी समझ में आया कि अच्छा, उसके लिए मुझे फिल्म फेस्टिवल और उस रास्ते घूम करके आना है चर्चा के लिए। तो मेरी फिल्म में बड़े स्टार कास्ट और इस तरह का कोई मामला तो था नहीं, विषय ही मेरा स्टार था, सब्जेक्ट था वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड। तो वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड पे कहाँ बॉलीवुड और भारत के दर्शक या मेकर्स इस पे कहाँ बात करते हैं, और ये चर्चाओं में और ये लोगों की चिंताओं में ये विषय नहीं था। और चूँकि ये चिंताओं में नहीं था, लोगों के जिक्र में नहीं था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये विषय जो है लोगों के जिक्र में आए, लोग समझे तो कि भाई ये विषय है वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड, गांव-गांव शहर हर तरह के लोगों के बीच में क्यों चर्चा होनी चाहिए, क्यों बात होनी चाहिए, ये ज़रूरत पैदा करना एक बड़ा चैलेंज था। और उसके लिए मैंने मुंबई से लेकर के झारखंड तक की पदयात्रा की, फिल्म का नाम ऐसे टी शर्ट पे पीठ पे प्रिंट करके वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड हमारा है, ऐसा जल जंगल जमीन हमारा है, ऐसा लिख करके मैं 15 मई 2018 को भरी गर्मी में यहाँ से लेकर के मुंबई तक 120 दिन तक मैंने पदयात्रा की और गांव-गांव शहर मोहल्ले हर तरह के लोगों के बीच में जा करके लाखों लोगों से मैं मिला और मिल करके इस पे चर्चा की, बातचीत की कि भाई वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड पे क्यों बात होनी चाहिए। तो मतलब मैं निर्भर नहीं रहा, कहने का मतलब है कि मैं मतलब वो जो एक ट्रेडिशनल जो फॉर्मेट है फिल्म को लोगों के बीच में चर्चे में लाने के लिए, उस तौर तरीकों पे मैं नहीं गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरी पहुंच नहीं थी लोगों तक। आज देखिए ना, इतने दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच बैठा हुआ हूँ। मैं थैंकफुल हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे ये मंच दिया है, इतने सारे माइक और इतना सारा प्लेटफॉर्म मुझे दिया है। तो ये मुझे लगता है कि मेरे उन संघर्षों का नतीजा है कि आज आप लोग, आप जैसे लोग हैं जो ज़रूरत समझ रहे हैं कि भाई मेरी आवाज़ लोगों तक जाए। तो यही सब संघर्ष रहा है, बहुत तरह की बातें हैं, आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। आपने कहा मई 2018 में आपने एक जंगल जमीन पानी को लेके आपने जो यात्रा शुरू करी पद यात्रा, आज की तारीख में भी करंट सिनेरियो में पद यात्रा बड़ी सुर्खियों में है, क्या आप मानते हैं आप वो शख्स हैं जिसने पद यात्रा का ट्रेंड चालू किया और उसे राहुल गांधी ने फॉलो की? नहीं, ऐसा नहीं है। इस देश में पद यात्रा का बहुत लंबा इतिहास है और मतलब बापू बहुत लोगों ने, इससे पहले अगर थोड़ा सा और ट्रेडिशनल उसमें जाएं तो भगवान श्री राम के बारे में भी कहा जाता है कि वो मतलब उन्होंने देश में बहुत बहुत सारी पदयात्रा की है। और इसके अलावा जो हमारे देश के जो आज़ादी के आंदोलनकारी रहे हैं उन लोगों ने बहुत सारी यात्राएं की हैं,
आचार्य विनोबा भावे हैं जिन्होंने पदयात्रा की है, महात्मा गांधी ने बहुत सारी यात्राएं की हैं, हाँ पीवी राजगोपाल हैं जो उनको आज के दौर का गांधी माना जाता है, उन्होंने बहुत सारी पदयात्राएं की हैं। लेकिन तब यह है कि इन यात्राओं को, इन पदयात्राओं को मेन स्ट्रीम मीडिया में और इस तरह की चर्चा उनको नहीं मिल पाया। लेकिन मैंने जो पदयात्रा की वो चर्चे में इसलिए रहा क्योंकि इस दौर तक है जो ये मतलब सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है मोबाइल के माध्यम से वो हमारे बीच पहुंच चुका था, और चूंकि मैं फिल्म मेकर रहा हूं और हाँ मुझे इस मीडियम का इस्तेमाल करना आता रहा है, तो मैंने ये किया है कि हाँ पदयात्रा करने के क्रम में मैं हर रोज़ है जो लाइव हॉट हाँ हैशटैग के साथ हाँ जिन जगहों पर जा रहा हूँ, जिन विषयों पर बातचीत हो रही है, तो मेरे साथ दो चार पाँच लोग हमेशा मेरे साथी रहे हैं, तो कुछ लाइव किया, कुछ पोस्टर डाला, कहीं कोई किसी से कम्युनिकेशन हो रहा है तो उन विषयों पे एक आर्टिकल बना करके डाला, तो पूरे देश भर में जहाँ भी लोकल कम्युनिटी मीडिया रहा है उन सब लोगों ने इसको कैप्चर भी किया है, तो उसको मैं शेयर वेयर करते रहना, तो उसका एक डेटा बहुत हाँ ऑफिशियल एक डेटा मेरे पेज पे और मेरे जितने भी प्रोफाइल और तमाम तरह के प्लेटफॉर्म है मेरे, उन प्लेटफॉर्म पर वो सारा डेटा है, इसलिए वो यात्रा है जो चर्चे में रह पाया। और देश भर में लोग जानते हैं कि हाँ मतलब रिसेंट टाइम में एक हाँ मेरे जैसा आदमी है जिसने पदयात्रा किया है, लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैंने शुरू किया है लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा सवाल एक और भी आपसे, जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाता है किसी डायरेक्टर को निर्देशक को, जिम्मेदारियाँ बड़ी बढ़ जाती हैं। जी जी। और जब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है तो आदमी और शिद्दत से काम करता है कि कुछ और उससे बेहतर करके देना है, जिसकी आपने शुरुआत भी की जिस फिल्म के माध्यम से, मैं स्प्रिंग फिंडर की फिर बात करूंगा। जी। तो जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया, जो कमर्शियल मसाला फिल्में हिंदी जगत में हम देखते हैं, सो कॉल्ड कमर्शियल मसाला फिल्में, उस तरफ रुख ना करके आपने स्प्रिंग थंडर को क्यों चुना? हाँ ये जरूरी सवाल है, ये बहुत जरूरी सवाल है, धन्यवाद पूछने के लिए। देखिए मेरा जो बचपन बीता है ना, मेरा झारखंड हाँ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश इन शहरों में हाँ मेरा बचपन बीता है, मेरी पढ़ाई हुई है, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैं फाइन आर्टिस्ट रहा हूँ, पेंटर मूर्तिकार रहा हूँ, तो मेरा बचपन जो बीता है उस दौरान मैं अपने शहर और आसपास है जो कैनवास लेकर के चीज़ों को ड्रॉ किया करता था, पेड़ हाँ जंगल झरने पहाड़, तो वो एक नेचर के साथ एक जुड़ाव था। मुंबई जब आया, मुंबई आकर के 2002 में यहाँ पे मतलब 22 साल मैंने बिताए, हाँ एक लंबा लंबा संघर्ष रहा, लंबा काम किया, काम करने के दौरान यहाँ ये रियलाइज़ हुआ कि आमतौर पे जो मुंबई में जो फिल्म मेकर्स हैं या जो नए फिल्म मेकर्स हैं वो एक ख़ास तरह के ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, उनको लगता है कि पूरी दुनिया है जो हाँ जो चकमक और एकदम चकाचौंध वाली कहानियाँ, अर्बन स्टोरीज हाँ अर्बन आइडियाज़, उसको अगर ना रखा जाए तो शायद वो फिल्म नहीं चलेगी, वो एक तरह मुझे लगता है कि वो एक माया क्रिएट किया गया है, एक तिलस्म क्रिएट किया गया है कि दुनिया है जो हाँ वो महानगरों की दुनिया है या इस कहा भी जाता है कि सपनों की नगरी है और वगैरह वगैरह, तो ये सपनों की नगरी है जो दर्शकों के बीच में भी इसी तरह का एक इमेज क्रिएट करके रखा हुआ है कि लोगों को यही चाहिए, हाँ बहुत चमकीला रहन सहन खान पान गाड़ी और लड़कियां और इस तरह का माहौल, हाँ जीवन में जो नाच गाने जो जिस तरह के वो तो एक्चुअल नाच गाना तो होता है हमारे गांव में, वो अलग तरह का होता है, वो ग्रुप डांस होता है, सब एक साथ मिल करके डांस करते हैं, एक साथ गाते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं, सोसाइटी में आमतौर पर देखा जाए तो हीरो का कॉन्सेप्ट तो नहीं होता है, वहाँ पर तो सामूहिकता में लोग है जो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री ने हीरो और हीरोइन का कॉन्सेप्ट और इस तरह से जिस तरह से क्रिएट किया है वो मुझे नहीं करना था, इसलिए भी नहीं करना था कि मुझे ये समझ में आ रहा था कि भाई जिन चीज़ों को मैं नहीं जानता या जिन चीज़ों से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे बड़ा झूठा औरन लगता है, ऐसा नहीं है, अर्बन स्टोरीज़ में महानगरों की कहानियों में भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण कहानियाँ लोगों ने कही हैं, पहले भी कही हैं और लगातार लोग कह रहे हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ भी कह रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ मतलब दर्शक भारत के दर्शक जो कहा जाता है कि गाँव का देश है भारत, गाँव का देश है तो गाँव का देश है, तो मतलब इस सच को आप स्वीकार भी करें ना, और कहानियाँ अगर कहनी है लोगों के बीच अपनी बात रखनी है तो गाँव की कहानियाँ रखें ना, अगर 70-75% हमारा गाँव है
तो इस सच को स्वीकार करते हुए हाँ स्कोप ढूंढे कि हाँ क्या गांव की ऐसी क्या कहानी कही जाए कि वो कॉमर्शियल आर्ट बन पाए, वो कॉमर्शियल सिनेमा बन पाए, उससे पैसे भी उगा ही कर सके। हाँ, वो सिस्टम बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैंने वो नहीं चुना क्योंकि फिर वही बात है कि मैंने मुझे लग रहा था कि भाई अगर मैं भी वही चीज़ करूँगा तो सिनेमा फिल्म मेकिंग इतना बड़ा एफर्ट है, आप हज़ारों लोगों की टीम ले करके हज़ारों लोगों को इंगेज करते हैं, एक ज़रूरी सिनेमा बनाते हैं, जीवन का महत्वपूर्ण समय देते हैं, पैशन से सिनेमा बनाते हैं, इतने पैशन से आप कोई कहानी कहते हैं और कहानी सिर्फ मौज मस्ती के लिए हो, सिर्फ पैसे उगाही के लिए, तो इतने बड़े संसाधन, इतने बड़े हाँ टूल्स का मतलब वो अपमान होगा। मुझे लगता है कि इस मीडिया का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करना चाहिए, एजुकेशन हो सकता है, एंटरटेनमेंट तो है ही, कोई भी कहानी आप कहेंगे अगर उसमें इंटरटेनिंग तरीके से नहीं कहेंगे तो वो तो दुनिया की महत्वपूर्ण कहानियाँ भी मतलब वो आधी पाँच मिनट ना देखें। एक सवाल और ऑब्जर्व करना चाहूँगा, क्या आप मानते हैं जो आपके जो आपका आदर्श रहा है, जो आपकी एक खुद की जहनियत है, खुद की आपका एक 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 यू नो वकार है कि मुझे ये अपने उसूलों के खिलाफ जाके मैं ये काम नहीं करूँगा और आपने किया भी नहीं, क्या आप मानते हैं कि वो उसूल और वो आपके रूल्स जो आप आदर्श मानते हैं उसने कहीं आपको इंडिविजुअली नुकसान किया? शॉर्ट टर्म में देखें तो मतलब हाँ, एक फाइनेंशियल क्राइसिस में मैं बहुत लंबा रहा हूँ, मतलब जब से फिल्म मेकिंग मैंने सीखना शुरू किया, अपनी फिल्में बनानी शुरू की, बनाने के बाद मतलब मेरी फिल्म सबको पसंद आ रही है, लोग इन्जॉय कर रहे हैं उसको, अच्छा कह रहे हैं, लेकिन मुझ तक पैसा नहीं पहुंच रहा, तो नहीं पहुंच रहा तो भाई ठीक है, ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। हाँ, मेरा जीवन है जो क्राइसिस में जा सकता है, मेरा जीवन क्राइसिस में है, जा रहा है, हाँ वो एक 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 मामला है, लेकिन जो कंटेंट मैं लोगों के बीच में रख रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म हमारे आने वाले जनरेशन को हाँ झूठ और सच में फ़र्क करने में ना वो आसानी होगी। आज के दौर में जितनी भी झूठी कहानियाँ और हाँ इंटरटेनमेंट के नाम पे सतही कहानियाँ कह ली जाएँ, लेकिन कल को गए बच्चों को अगर आज का दौर है गूगल का, हाँ कुछ भी ढूंढना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, तो गूगल पे सर्च कीजिए तो आपको दो तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, एक झूठ और एक सच। जो अधकचरा ज्ञान रखे हुए हैं हाँ या चीज़ों को बहुत सतही तौर पर देखते हैं वो है, जो किसी भी तरह से अपने आइडियाज़ रखेंगे तो वो हाँ उनकी इन्फॉर्मेशन उनका रिसर्च वर्क बहुत वीक होता है, तो वो भी उपलब्ध है मैटर। और जिन्होंने जीवन बिताया है किसी एक विषय की गंभीरता को समझा है उन कंटेंट को भी बहुत बढ़िया तरीके से रखा है तो वो इन्फॉर्मेशन भी है, तो कम से कम हमारे आपके बच्चे कल को गए हाँ किसी इल्यूजन में तो नहीं रहेंगे, उनको अगर सच और झूठ में फ़र्क करना होगा तो कम से कम हमारे जैसे फिल्म मेकर आज भले ही क्राइसिस के में रह करके कंटेंट पे अपना इतना मेहनत और एफर्ट डाल करके काम कर रहे हैं, कल को गए वो उनके लिए रिसर्च वर्क के लिए हमारा सब काम है जो हाँ प्राथमिकता में रहेगा और बाकी इन फिल्मों को लोग भूल जाएंगे। सर, क्या आप ये मानते हैं कि आपको प्रकाश झा वाला तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश झा ने भी इस तरह के कई मुद्दों को उठाया अपनी फिल्मों के माध्यम से, जब पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, जो बैकड्रॉप रहा है फिल्म का वो कहीं राजनीतिक रहा है, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सजा के चीजों को करा जाए तो उसमें कमर्शियली भी चीजें ठीक हो जाए और यू नो जो आप कहना चाहते हैं वो भी पहुंच जाए? देखिए, एक तो मैं बोलूं कि जो मेरी फिल्में हैं ना वो इशू बेस्ड तो हैं लेकिन वो नॉन कॉमर्शियल हैं, ये ना मैं मानता हूँ और ना मेरी फिल्म देखने वाले लोग मानते हैं, वो इसलिए क्योंकि मेरी फिल्म जितने भी कहानियाँ मैंने कही हैं अभी तक सब बहुत इंटरटेनिंग तरीके से कही हैं, लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, कॉमर्शियल फिल्मों को उतना इन्जॉय नहीं करेंगे जो तथाकथित कॉमर्शियल फिल्म कही जाती है। मैंने जो फिल्में बनाई हैं उसको लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, हंसते हैं, उस पर सीटी भी बजाते हैं, ताली भी बजाते हैं, हाँ उस एग्रेशन आता है कहानी के प्रोटोगनिस्ट के साथ तो वो खुद को एग्रेसिव भी महसूस करते हैं, हाँ कोई दुख तकलीफ होता है तो खुद हाँ उनके आँख से आंसू भी निकलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं मेरी कहानी में। फ़र्क ये है कि मैं अपनी फिल्म की मार्केटिंग नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर रहा हूँ और बाजार का जो जो नॉर्म्स है एक सफल सिनेमा को बनाने के लिए, सफल सिनेमा बनाने मतलब सफल बनाना तो आप अच्छी कहानी या बुरी कहानी बनाते हैं, सफल उसको कहते हैं कि भाई अगर आप सारे स्टेज पे आप कहीं अगर फंबल नहीं किए हैं, हाँ आपने आखिरी जो स्टेज है जो प्लेटफॉर्म तक लाने का और बॉक्स ऑफिस से पैसा निकालने का वो तक आपने अगर अचीव कर लिया है तो वो फिल्म सफल मानी जाती है, हाँ कॉमर्शियली सक्सेस मानी जाती है। तो मामला ये है,
मैंने मेरी जो भी कहानियाँ हैं उसको मैं कॉमर्शलाइज नहीं कर सका, मतलब मैं उसको मार्केटिंग करना मुझे नहीं आया, या मैं उठा करके उन फिल्मों के साथ, हाँ मैं किसी तरह थिएटर वगैरह मैं मैनेज नहीं कर पाया और मैं लोगों को दर्शकों को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाया, तो उस लिहाज से मेरी फिल्म जो है पैसा नहीं कमाई है, लेकिन मेरी फिल्म कॉमर्शियल रही है, जिन लोगों ने भी देखा है, बड़े बड़े यहाँ के मेकर, मैं बता रहा हूँ इंडस्ट्री के, जैसे अभी आप प्रकाश झा का नाम ले रहे हैं, प्रकाश झा सर ने भी ये फिल्म मुझसे मांगी, उन्होंने देखा उन्होंने बोला कि भाई तो अच्छी फिल्म है, हाँ बताओ क्या करना है, बोले सर आप बताएं मुझे तो फिल्म लोगों तक पहुँचानी है, तो उन्होंने बोला कि मैं रिलीज करता हूँ, तुम दूसरी फिल्म करो, मैं दूसरी फिल्म लोगों प्रोड्यूस करता हूँ, ये ऑफ़र रहा है। मुझे अनुभव सिन्हा सर ने मुझे ऑफ़र किया कि ये फिल्म अच्छी फिल्म है, मैं इसको हाँ रिलीज करता हूँ, हाँ आपको दूसरी फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ। श्याम बेनेगल सर ने, वो प्रेजेंटर रहने की बात उनको उन्होंने कही मुझसे, हाँ लेकिन तब ये रहा है कि जितने भी लोगों ने मुझे ऑफ़र किया है, बहुत सारे लोगों ने ऑफ़र किया है, उनको साफ साफ दिखाया कि हाँ ये कॉमर्शियल फिल्म है, ये बढ़िया बिजनेस करेगा, हाँ ये जैसे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर और इन लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने फिल्म देखी और फिल्म देखते ही आपस में उनका कम्युनिकेशन रहा है कि अरे ये तो इतने करोड़ का फिल्म है, लग देख इतना रहा है, निकलेगा इतना, इस तरह की वो बात करते रहे, मैं डील नहीं कर पाया। अच्छा मैं क्यों नहीं डील कर पाया, क्योंकि ये मतलब मुझे समझौता नहीं करना था अपने कंटेंट से, कहानी को कहने का मेरा जो तरीका है मैं उसमें कोई समझौता नहीं करना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि किसी भी दूसरे आदमी का विचार, हाँ उसके सोचने का तौर तरीका मेरी कहानी को प्रभावित करे, मैं एक कैंची नहीं चलने देना चाहता था मेरी कहानी पे, और इसलिए मैंने समझौता नहीं किया। जबकि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने मुझे ऑफ़र किया, हाँ वो फिल्म को काट वाट के ख़राब करना चाहते थे, ऐसा नहीं है, वो चूँकि अनुभवी हैं, उन्होंने बहुत घिसा है, रगड़ा है, तो वो मार्केट का एक हाँ नॉर्म समझते हैं, उनको पता है कि भाई चीज़ें कहाँ कहाँ फंस सकती हैं, तो वो उन सब चीज़ों से बचते बचाते मेरी फिल्म को लाना चाहते थे, और मेरे कॉन्सेप्ट में था ही नहीं, मुझे बचना बचाना नहीं था, मैंने जो बनाया था जिस तरह से बनाया था मुझे वैसे ही दिमाग में ऑडियंस तक बात पहुँचानी थी कि कहानी को मैं ऐसे देखता हूँ, और इसलिए मतलब परोसा जा रहा है ओटीटी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, दुनिया बदल गई, बड़े बड़े स्टार ओटीटी पे आ गए हैं, बहुत सारे बिगेस्ट डायरेक्टर ओटीटी पे आ गए हैं, शॉर्ट फिल्मों का दौर चालू हो गया है, आप इस पूरी दुनिया को कैसे देखते हैं और अपकमिंग किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो प्लीज बताएं। मैं इस नई दुनिया को, जिसको कि बहुत डिजिटल वर्ल्ड कहा जा रहा है, इस डिजिटल वर्ल्ड का मैं खुद को, हाँ मैं वर्ल्ड सिनेमा का आदमी मैं खुद को मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि इस देश में, इस दुनिया में जो भी फिल्में बन रही हैं, मेरी कहानियाँ सबसे कंटेम्प्रेरी कहानियाँ हैं, मेरी कहानियाँ सबसे ज़रूरी कहानियाँ हैं इस पूरे मानव सभ्यता के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए मेरी कहानियाँ सबसे प्रोएक्टिव कहानियाँ हैं, बहुत स्मार्ट कहानियाँ हैं मेरे मतलब आप मेरी जो भी फिल्म जो भी मुझे प्लेटफॉर्म मिला है उस प्लेटफॉर्म पे मेरे जितने भी दर्शक हैं एक भी कमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा, हजारों कमेंट आप देखिए एक भी कमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो हाँ मतलब किसी भी तरह की कोई निगेटिविटी की बात कर रहा, हाँ और ये नहीं है मतलब आलोचना के लिए मैं बहुत खुला हुआ हूँ, लेकिन कोई करे तो आलोचना मेरी फिल्म का, कोई तो हो जो मेरी फिल्म का आलोचना करे, मैं दुनिया की बेहतरीन सभी फिल्में मतलब गिन करके दुनिया की जितनी भी बेहतरीन फिल्मों का लिस्ट है वो देख समझ करके मैंने फिल्म बनाना शुरू किया है, जितने भी दुनिया के महान फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कॉमर्शियल क्रिटिकल और तमाम तरह से एक्सपेरिमेंटल सिनेमा किया है, बहुत पैसा बनाया है, ऐसी सारी फिल्में मैंने देखी हैं, देख समझ करके मैंने अपनी फिल्म बनाई है, तो इस वर्ल्ड इस आज के दौर के सिनेमा में मैं अपने फिल्म को बहुत आगे की फिल्म देखता हूँ और बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट सिनेमा की तरह देखता हूँ और उतना ही कॉमर्शियल देखता हूँ। आपका भी प्रोजेक्ट कहीं बात चल रही है आपकी, किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग हो रही है, कुछ बताना चाहें? हाँ हाँ मेरे मतलब अभी मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत गर्मजोशी से बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, मुझे कई तरह के ऑफ़र भी मिले हैं, मुझे कई तरह के संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं, मुझे अभी लोखंडवाला में एक ऑफिस मिला है हाँ और इस्तेमाल करने के लिए कुछ काम करने के लिए, तो दो तीन कहानियाँ मैंने लोगों को पीच की हैं और सभी कहानियाँ लोगों को पसंद हैं, तो धीरे धीरे एक एक करके मैं उस पर काम कर रहा हूँ, हाँ स्टोरी स्क्रिप्ट मेरी रेडी है,
लेकिन वो प्री प्रोडक्शन लेवल पे और भी कई तरह से एक एक कदम बढ़ा रहा हूँ मैं, अच्छे आर्टिस्ट चूज़ करना, अच्छे टेक्नीशियन चूज़ करना, अच्छी टीम खड़ा करना, तो इस प्रक्रिया में हूँ मैं और मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। बहुत जल्द मैं अच्छी अच्छी फिल्में आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। और श्री राम जी, मेरा सवाल आपसे है, झारखंड के राजनीतिक पृष्ठभूमि से आपने फिल्म तैयार किया है, कहीं ना कहीं झारखंड की स्टोरी रखा है, परसा है आपने, जो स्थानीय मुख्यमंत्री वहाँ के हैं वो फिल्म देखने के लिए कितना दिलचस्प हैं, लोगों तक फिल्म पहुँचाने के लिए कितना सक्रिय हैं, उन्होंने फिल्म देखी या नहीं देखी, नहीं देखी तो उन तक फिल्म कैसे पहुँचाई जाए, इस पर आपने कुछ सोचा है? देखिए, देश के मतलब जाने माने पत्रकार मिस्टर रवीश कुमार ने मेरी फिल्म देखी थी और उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा उस पर और ओपन एक लेटर फेसबुक पे ट्विटर पे उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को टैग करते हुए संबोधित करते हुए अपील किया कि एक ज़रूरी सिनेमा है और दुनिया भर के तमाम फिल्म मेकर्स या तमाम तरह के पॉलिटिशियंस अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं सिनेमा के माध्यम से, उसको माध्यम बना रहे हैं, तो आपको भी इस सिनेमा को लोगों के बीच में रखने का इंतजाम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने प्रोत्साहित भी किया है, अपील भी किया है। तो मैं ये तो नहीं मानता कि हेमंत सोरेन जी ने मेरी फिल्म नहीं देखी होगी या फिर हमारे झारखंड में कोई ऐसा लीडर है जो मेरी फिल्म ना देखा हो, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि मेरी फिल्म ने बहुत सारे बज़ क्रिएट किए हैं। मेरी फिल्म जिन विषय पर आधारित है, जिस कहानी पर आधारित है, वो झारखंड का जो सबसे खूबसूरत जंगल और पहाड़ है जिसको नेतरहाट कहते हैं, नेतरहाट एक्चुअली अंग्रेज़ों के समय में नेचर्स हॉट उसका अभ्रंश है जो ट्राइबल एरिया में वो नेतरहाट नेचर्स हॉट से नेतरहाट हो गया, तो एक्चुअली वो नेचर्स हॉट है। अंग्रेज़ों ने अगर उसको उस प्रकृति के हृदय को अगर वो नेचर्स हॉट कहा तो यूं ही नहीं कहा। अभी मात्र पिछले कुछ सालों में मतलब जिस तरह से डेवलपमेंट के नाम पर एकदम सेंसलेस जंगलों की कटाई और पता चला कि खदान इस तरह से किया जा रहा है कि अभी ऐसा क्या है ना, बहुत एक बायोडाइवर्सिटी का एक सिस्टम जो है, इको सिस्टम जो है वो ऐसा है कि अगर आप इधर से आपने खोद दिया ना तो पता चला कि जो इधर से आपको झरना मिल रहा है ना वो सरक करके इधर गायब हो जाएगा, उधर आपको नदी मिल रही है, इधर आपने कुछ कर दिया तो पता चला वो नदी उधर से गायब हो जाए। लेयर्स है ना, वो इतने हिडन लेयर्स हैं, इतनी चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि पेड़ पौधों का, जंगलों का, आप देखिए पेड़ लगा सकते हैं आप, जंगल नहीं लगा सकते। हाँ, और हम बात कर रहे हैं झारखंड के सबसे ऊंचे जंगल पहाड़ की, जहाँ से एकदम हिडन है, इतने सारे पतले पतले धार से और कहाँ कहाँ से पानी बहता हुआ आपको एक मैदानी इलाकों में एक नदी पहुँचती है। तो ये अभी की जनरेशन को पता ही नहीं है कि हमारे पास जो घर के बगल से जो नदी गुजर रही, इतनी सुंदर नदी, उस नदी का सोर्स क्या है वो लोगों को नहीं पता। पता भी होगा तो कोई मोटा मोटी एक सोर्स जानते होंगे, अच्छा फला जगह से नदी चल के आई है, लेकिन नदी का कोई एक सोर्स नहीं होता है, वो कहाँ कहाँ से। आप ऐसे जो मिट्टी पे आप पानी को ऐसे बाल्टी से झोंक फेंक दीजिए ना, तो जहाँ वो ढाल देखेगा, जिस तरह से देखेगा, वो कई जगह से पानी बहता हुआ एक जगह जो सबसे ढाल वाला एरिया है वहाँ पे वो थिकनेस पकड़ता है, सारा सोर्स वहाँ इकट्ठा होता है। तो इस पूरे डिज़ाइन को ना, ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है, लेकिन इस सिंपल डिज़ाइन को लोग नहीं समझते। भारत के जो पानी का जो व्यवस्था है उसको लोग नहीं समझते, और वो इस चक्कर में वो जहाँ का वो संघर्ष है, लड़ाई है, वो लोग नहीं समझते। वहाँ पे तो 240 गांव के जो लोग हैं, उन लोगों ने 40 साल से आंदोलन छेड़ रखा है सर, जिसको देश का, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन और जिंदा आंदोलन बोलते हैं, जो अपने गठरी में चावल वावल ले करके आ करके पीठ पे बच्चा बांध करके संघर्ष करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं, उन लोगों ने इस आंदोलन को जिंदा रखा है, इसलिए वो जंगल पहाड़ बचा हुआ है। अब मामला ये है कि उसको इस विषय को छुए कौन, इस विषय पे आवाज़ कौन उठाए, क्योंकि मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी है जो पैसे के लिए भी माइनिंग ही है, आपको रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है माइनिंग से। हाँ, और माइनिंग पे अगर सिनेमा आप बना देते हैं तो उसको हाथ डालेगा कौन? आपका सवाल का जवाब यही है सर, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मतलब मैं समझ रहा हूँ इनका मामला, समझ रहा हूँ, जबकि मुझे जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, ये जानते हैं हमको, मुझे रघुवर दास जी जानते हैं, मुझे
अगर मैं राष्ट्रपति पुरस्कृत फिल्म मेकर हूँ और झारखंड का इकलौता ऐसा फिल्म मेकर हूँ जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना बज क्रिएट किया, ये सारे आंदोलनकारी ना मेरे साथ फिल्म बनाने के बाद, मतलब एक तो मैं यहाँ मुंबई से झारखंड पदयात्रा किया, मैं पूरे देश में चर्चा बना, फिर मैं वहाँ गाँव के सभी लोग जो हैं सब लोग इकट्ठे, फिर वहाँ से राजभवन भी हम लोग पदयात्रा किए, सभी गाँव के प्रतिनिधि बच्चे सब, बात रखने के लिए कि भाई हमारे जंगल पहाड़ को बचाएंगे क्या आप। तो मैं एकदम नहीं मानता कि मेरी फिल्म लोग नहीं जान रहे हैं या उन तक बात नहीं है, एकदम ऐसी बात नहीं है, सब तक मेरी बात है, मेरा सिनेमा सब जगह पहुंचा हुआ है। अब वो क्यों नहीं करना चाहते हैं इसका जवाब भी मैं आपको दे चुका हूँ। डाले कौन, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, मुझे मदद करने के लिए तो डायरेक्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम वो मुझे कर सकती हैं, डायरेक्ट मुझे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं, लेकिन वो चल रहा है, गेम चल रहा है कि कौन इसका बीड़ा उठाएगा, कौन, आप समझ रहे हैं, सभी मेरे साथी हैं और सब लोग जान रहा है कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ, जरूरी काम कर रहा हूँ, लेकिन सहयोग करके फिर वो मतलब फंसे कौन, देखा हो रहा है तो इस ट्रैक पे चल रहा है मामला। थैंक यू सो मच, थोड़े फुटेज मार लो।